हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे अंदर जुनून का होना बहुत ही जरूरी है, पागलपन का होना बहुत ही जरूरी है। सफलता, यह चार अक्षर का शब्द सुनने में तो बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इस शब्द की गहराई में जाएं तो हम अंदर तक एक घुसते ही चले जाएंगे। लेकिन क्या उसका हमें एक ही निचोड़ मिलेगा कि अगर सफलता पाना है तो पागल होना पड़ेगा, जिससे हम आसानी से इस तक पहुंच जाए। और सफलता को पाने के लिए जुनून और जज्बा ही इसकी मुख्य जड़ है। जुनून आपसे वो सब करवाता है जिसे आप करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके अंदर कामयाबी का जुनून होना चाहिए। अगर हम में से किसी चीज़ को पाने का जुनून चढ़ जाए तो हम उसे चीज़ के अलावा और कुछ नहीं दिखता। हम चाह कर भी किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपना सारा ध्यान उस चीज़ को पाने के लिए लगा देते हैं। जब तक हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेते तब तक चैन से नहीं बैठते। यही हमारा जुनून है, यही हमारा जिद है। सुबह टाइम से उठो, वॉकिंग करो, थोड़ी सी वर्कआउट कर लो और अपने काम पे लग जाओ। असफलता हाथ लगेगी, दुखी मत होना, क्योंकि सफलता बार बार असफलताओं के बाद ही आती है। सफलता पाने के लिए बहुत ही जुनूनियत करनी होती है, पागल बनना पड़ता है, तब जाके सफलता हाथ लगती है। सुंदर पिचाई का नाम आपने सुना होगा, जो एक भारतीय है और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी गूगल का CEO है। बचपन की पढ़ाई में दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही गरीब परिवार से था, जुनून ऐसा था, पढ़ने का जुनून था। फर्स्ट बार में उन्होंने IIT क्रैक कर लिया। IIT क्रैक करने के बाद स्कॉलर्स पे चले गए विदेश पढ़ने, और जुनून ऐसा चढ़ा, सफलता की बातें ऐसी लगी, एक दिन वो गूगल का CEO बन बैठा। इसे जुनून कहते हैं दोस्तों, इसे जिद कहते हैं। जुनून अगर आपके अंदर आ जाए तो पागल बना देता है, सफलता को पाने के लिए आपको मजबूर कर देता है, ऐसी ऐसी काम करवाता है जिसे सफलता आपको आना ही पड़ता है, सफल होना पड़ता है। हम में से बहुत आदमी असफल होने के बाद रोता है, बैठता है, सोचता है और फिर सोच में डूब जाता है। डूबो मत, सोचो मत, उठो और एक नया सवेरा लिखो, एक नई काम करो, उसमें सफलता पाने की कोशिश करो, जुनूनियत लाओ, पागल बनो। काम के पीछे पागल बनो, पैसे आएंगे, सफलता मिलेगी। दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा, थोड़ी सी भी अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर माइक टाइसन अपने शुरुआती जीवन में असफल होने के बाद घंटों बैठकर अपने घर में रोता था। उसकी माँ ने समझाया, रोने से कुछ नहीं होने वाला, उठ, कोई नया काम कर और अपना सवेरा बदल। दोस्तों आज माइक टाइसन का नाम कौन नहीं जानता है। ऐसा उठा, ऐसा जिद, ऐसा जुनून सवार हुआ, जिंदगी बदल दी, पैमाने बदल दिए, अपने सपने बदल दिए। सफलता ऐसी हाथ लगी कि बच्चा ही कोई आज शायद होगा जो उसे विश्व में जानता नहीं। एक व्यापारी को अपने व्यवसाय में बहुत नुकसान हो गया, उस पर काफ़ी कर्ज चढ़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कर्ज कैसे उतारे। हताशा और निराशा में उसका व्यवसाय से भी ध्यान हट गया और वह दूर किसी शहर में जाकर भटकने लगा। उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। एक दिन वह पार्क में बैठा था, तभी उसके पास एक आदमी आया। उसने व्यवसाय से उदासी का कारण पूछा। सब जानकर उसने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और बोला, मैं इस शहर का सबसे धनी व्यापारी हूँ, इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए का चेक देता हूँ, तुम अपना कर्ज चुका कर काम में ध्यान लगाओ, 2 महीने बाद ये पैसे मुझे वापस कर देना। दोस्तों फिर क्या था, व्यापारी बहुत खुश हुआ, वह उत्साहित हो गया, हुआ अपने शहर जाते ही अपने व्यवसाय में पूरी तरह लग गया। पहले ही दिन उसे बड़ी आमदनी हुई, उसका हौसला बढ़ा तो उसने सोचा कि वह चेक कैश न कराकर अपने व्यवसाय को बढ़ाएगा। 2 महीने में ही उसने 10 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। जब वह 10 करोड़ का चेक वापस करने और धन्यवाद देने पुरानी जगह पहुंचा तो पार्क में कोई नहीं आया। लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले एक पागल खुद को शहर का सबसे अमीर बताकर लोगों को फर्जी चेक बांटा करता था। व्यापारी अवाक था, इतना हताशा और निराशा होने के बावजूद वह कैसे उत्साह से लबरेज हो गया और उसने एक पागल के कारण सफलता पा ली। ये दोस्तों जुनून, वह फर्जी चेक के कारण उसे जुनून चढ़ा, जिद चढ़ा और उसने अपना कारोबार फैलाया और बन गया अमीर। जुनून का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।